दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, और टॉपिक का नाम क्या है, डाइमेंशन ऑफ द हेल्थ। भाई हेल्थ के लिए जो मैंने वीडियो था स्पेशल आपके लिए अपलोड कर दिया था, जिसमें मैंने आपको समझाया था हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में और हेल्थ को कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, जिसको अपन ने लास्ट वीडियो में देख लिया था। और आज अपन यहाँ पर बात करेंगे डाइमेंशन ऑफ द हेल्थ, क्या क्या डायमेंशन होते हैं, एक एक करके सारे डायमेंशन के बारे में अपन यहाँ पर बात करने वाले हैं। चलिएगा स्टार्ट करते हैं इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। और यहाँ पर देख सकते हो डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, तो यहाँ पे दे रखा है हेल्थ इज़ ए इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर पर्सन, द डिफरेंट डायमेंशन हैव आस्पेक्ट अबाउट आवर हेल्थ। क्या बताया गया है, हेल्थ क्या है, एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए। मतलब हेल्थ एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पहलू है कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए। अब अलग अलग प्रकार के डायमेंशन होते हैं जो कि अपनी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। पहला डायमेंशन है वो है, कौन सा डायमेंशन है, सबसे पहला है उसका नाम है फिजिकल डायमेंशन, देन सेकेंड है मेंटल डायमेंशन, थर्ड है सोशल डायमेंशन, फोर्थ है स्पिरिचुअल डायमेंशन, और फिफ्थ है वोकेशनल डायमेंशन। पांच प्रकार के डायमेंशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट अपन एक एक करके इनको यहाँ पर डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि आखिर फिजिकल डायमेंशन क्या होता है, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, वोकेशनल डायमेंशन क्या क्या होते हैं। और जो सबसे पहला डायमेंशन है उस डायमेंशन का नाम है फिजिकल डायमेंशन। अब देखिएगा फिजिकल डायमेंशन आखिर होता क्या है, इसमें दे रखा है फिजिकल हेल्थ मीन्स द परफेक्ट फंक्शनिंग ऑफ बॉडी इन विच ईच ऑर्गन इज वर्किंग इन हार्मनी विद द मैक्सिमम कैपेसिटी। यहाँ पे बताया गया है कि भाई फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है कि अपनी जो बॉडी है वो एक परफेक्ट तरीके से काम करे। और यहाँ पे दे रखा है कि ईच ऑर्गन वर्किंग इन ए हार्मनी विद द मैक्सिमम कैपेसिटी। अब हार्मनी जो वर्ड आया है इसका मतलब क्या है कि अपनी बॉडी एक सामंजस्य के अंदर काम करे, अपना जो हार्ट है, अपना जो किडनी है, जो दिल है, दिमाग है, वो एक अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से काम करे। तो यहाँ पे बताया गया है कि भाई जो अपनी फिजिकल हेल्थ है वो परफेक्ट कब रहेगी, जब हर एक ऑर्गन अपना परफेक्ट दे पाएगा और जो मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको अपन अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट बताया गया है फिजिकल हेल्थ अचीव बाई एक्सरसाइज, हेल्दी डाइट, एडिक्वेट रेस्ट एंड नो स्मोकिंग। और जो फिजिकल हेल्थ है अपन उसको अचीव कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, अपन रेगुलर सुबह उठ के एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी डाइट लेंगे, स्मोकिंग नहीं करेंगे, और क्या करेंगे, जो भी मतलब प्रॉपर रेस्ट है, जो स्लीप है वो टाइम टू टाइम करेंगे, तो अपनी फिजिकल हेल्थ क्या रहेगी, अच्छी रहेगी। तो फिजिकल डायमेंशन का मतलब क्या है, किसी एक व्यक्ति का फिजिकली रूप से फिट रहना। अगर वो फिजिकली फिट नहीं रहेगा तो उसको क्या होगा, अनेक प्रकार की बीमारियाँ हो जाएंगी। तो फिजिकल डायमेंशन अपनी हेल्थ को इस प्रकार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, और जो सेकंड डायमेंशन है वो है मेंटल डायमेंशन। अब देखिएगा मेंटल हेल्थ इज़ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड, और मेंटल हेल्थ क्या है, एक प्रकार का बैलेंस है किसके बीच में, बॉडी और माइंड के बीच में। भाई अपना जो शरीर है और अपना जो दिमाग है इन दोनों के बीच में संतुलन बनाने का काम होता है मेंटल हेल्थ का। अर्लियर बॉडी एंड माइंड वर कंसिडर टू सेपरेटेड एंटिटी, और बताया गया है कि भाई जो अपना शरीर है और अपना जो माइंड है ये एक दो अलग अलग सेपरेट क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। देखिएगा कोई पर्सन है उसको मेंटली इलनेस थी, वो दिमागी तौर पे क्या था, बीमार था, फिर वो क्या होगा, पुअर न्यूट्रिशन लेने लग जाएगा, और इससे क्या होगा, उसका इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा, बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगा। और जब इम्यून सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा तो प्रोन टू इन्फेक्शन, वो बीमारियों की तरफ बढ़ जाएगा, और जब बीमारियों की तरफ बढ़ेगा तो उसका शरीर टूटेगा और उसको क्या हो जाएगी, फिजिकली इलनेस हो जाएगी। सेम ये चीज़ बात करते हैं एग्जांपल से, किसी पर्सन को क्या है, कोई डिप्रेशन है, कोई मेनिया है, कोई बाइपोलर है, जब आप थर्ड ईयर में आओगे तो साइकेट्रिक में बहुत सारी डिजीज पड़ोगे मेंटल इलनेस के। देन डिप्रेशन की वजह से क्या हुआ, पुअर हाइजीन हो गया, साफ सफाई में बिल्कुल ध्यान देना छोड़ दिया, न टाइम पे खाना न सोना, और क्या होगा, वो इन्फेक्शन की तरफ बढ़ जाएगा और वहाँ से क्या होगा, उसकी फिजिकल इलनेस उसको स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं अगर अपनी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी तो फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिक अच्छी होगी। तो यहाँ पे जो अपना दूसरा डायमेंशन है मेंटल डायमेंशन, वो भी अपनी हेल्थ को इस प्रकार से प्रभावित करता है। नेक्स्ट आ जाएंगे
थर्ड डायमेंशन की तरफ, और जो थर्ड डायमेंशन है वो है सोशल डायमेंशन, मतलब समाज किस प्रकार से अपनी हेल्थ को प्रभावित करता है। तो देखिएगा यहाँ पर बताया गया है, एन इंडिविजुअल इज सोशली हेल्दी इफ ही इज एबल टू मेंटेन हारमोनियस रिलेशनशिप विद अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी इन विच ही लाइव। मतलब कि एक पर्सन है वो हेल्दी जब ही रहेगा जब वो अपने मेंबर ऑफ सोसाइटी, मतलब जिस समुदाय में, जिस गांव के अंदर, जिस पंचायत में, जहां पर वो रहता है उसके आसपास के लोगों के साथ अगर उसका रिलेशनशिप, अगर उसका संबंध अच्छा होगा तभी वो स्वस्थ रह पाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, एक एग्जाम्पल से अपन देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है और वो पर्सन क्या है, बहुत ज़्यादा बीमार है, और बाहर जब ही आया उससे समुदाय के लोग, जब 10-15 लोग बाहर बैठे थे, उन्होंने पूछना शुरू कर दिया, कुछ भी पूछ रहे हैं, रास्ता किधर जाएगा, कि क्या करता है, ये वो ऐसा वैसा, तो उसको क्या होगा, गुस्सा आएगा। और वहीं बात करते हैं, रिलेशनशिप अगर अच्छा होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई एग्ज़ाम दे के आए हो और आपका एग्ज़ाम बहुत जल्द पास हो गए, आप अच्छे नंबर लेके आए हो, आपका वहाँ पे क्या होगा, बोलचाल का तरीका अच्छा होगा, रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा, और रिलेशनशिप आपका अच्छा होगा, आप दिमागी तौर से अच्छे रहोगे, तो आपकी हेल्थ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। यहाँ पर बताया गया है, इन अदर वर्ड ए पर्सन इज़ सोशली हेल्दी इफ ही इज़ एबल टू इंटरेक्ट विद द नेबर। यहाँ पे बताया गया है कि भाई एक पर्सन है वो क्या होगा, सोशली हेल्दी होगा जब वो क्या करेगा, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ एक अच्छा रिलेशन बना के चलेगा। कुल मिला के बात रिलेशंस के ऊपर है, अगर आपका संबंध अच्छा होगा तो आपकी दिमागी हालात भी अच्छी होगी और हेल्थ ऑटोमेटिक अपनी अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ जाएंगे, और फोर्थ डायमेंशन है, उसका नाम है स्पिरिचुअल डायमेंशन। स्पिरिचुअल डायमेंशन मतलब आत्मिक, अपना आत्मा किस प्रकार से अपनी हेल्थ को प्रभावित करते हैं। देखिए आप, फ्रॉम होलास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू स्पिरिचुअल हेल्थ इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ हेल्थ। क्या बताया गया है, होलास्टिक का मतलब क्या होता है, कंप्लीट रूप से, मतलब पूरे तरीके से। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या है, अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट डायमेंशन है किसका, हेल्थ का। नेक्स्ट, स्पिरिचुअल मीन्स इन टच विद डीपर सेल्फ एंड एक्सप्लोरिंग द पर्पज ऑफ लाइफ। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है कि खुद को अंदर तक क्या करना, डीपली उसको खुद को फील करना, इसके अलावा एक्सप्लोर करना पर्पज ऑफ द लाइफ भी, अपने को जिंदगी मिली है तो इसके क्या उद्देश्य हैं, किस प्रकार से अपन इसको काम में ले सकते हैं। और अगर अपन स्पिरिचुअल अपन क्या रहेंगे, अगर अच्छे रहेंगे, स्पिरिचुअल हेल्थ अपनी अच्छी रहेगी तो एक पर्सन क्या होगा, हेल्दी रहेगा, वो फिट रहेगा। ये हो गया स्पिरिचुअल डायमेंशन। और इसके अंदर क्या क्या इंक्लूड करते हैं, लव, पर्पज, प्रिंसिपल, ये सब इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, जो एथिक्स होते हैं, ये सब आते हैं स्पिरिचुअल डायमेंशन के अंदर। और नेक्स्ट और लास्ट आता है, वो है वोकेशनल डायमेंशन। अब देखिएगा वोकेशनल डायमेंशन की यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो देखिएगा वोकेशनल डायमेंशन है, वो फिफ्थ नंबर का डायमेंशन है। वोकेशन हैज डायमेंशन कैन नॉट बी इग्नोर हैज इन एबिलिटी टू यूटिलाइज इंटरेस्ट एंड स्किल इन जॉब। वोकेशन का मतलब क्या होता है, जो अपन नौकरी करते हैं, जो जॉब करते हैं, अगर एक पर्सन है कहीं काम करता है और वो जो जॉब है उसकी पसंद के हिसाब से मिली है, वहाँ पर काम उसकी पसंद के हिसाब से होगा तो वो खुश रहेगा, सैलरी उसको टाइम टू टाइम मिलेगी, तो उसकी हेल्थ क्या रहेगी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। वही बात करते हैं, अगर वो डिस्टर्ब रहता है इमोशनली डायमेंशन, फ्रस्ट्रेशन आएगा, नेगेटिव फीलिंग आएगी, और वो काम से क्या रहेगा, हर वक्त अनसेटिस्फाई रहेगा, वो अपना 100% वहाँ पर नहीं दे पाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि टोटल मैंने 5 डायमेंशन यहाँ पर आपके लिए इंक्लूड किए हैं। वैसे तो क्या होता है, टोटल कितने, टोटल 8 डायमेंशन होते हैं, बट अपन डिटेल में ओनली 5 को ही पढ़ते हैं, और एग्ज़ाम में भी आपको 5 को ही लिखना है, जिसमें पहला है फिजिकल, देन जो नेक्स्ट है वो है, कौन सा है, नेक्स्ट है मेंटल, नेक्स्ट है सोशल डायमेंशन, नेक्स्ट है स्पिरिचुअल डायमेंशन, नेक्स्ट है वोकेशनल डायमेंशन, और जो बाकी 3 बच गए उनमें से फर्स्ट है इमोशनल डायमेंशन, नेक्स्ट हेल्थ सर्विसेज, और लास्ट है एनवायरमेंटल या एक्सटर्नल या फिर इंटरनल, ये जो डायमेंशन है। तो क्लियर यहाँ पर हो चुका होगा कि हेल्थ के टोटल 8 डायमेंशन होते हैं, और जिसमें से टोटल आपको 5 को डिस्क्राइब करना होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं।
फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और वोकेशनल। तो मैं आप सभी से उम्मीद करूंगा कि ये जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है डायमेंशन ऑफ द हेल्थ, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिएगा और मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।